वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग चैनल। मैं हूं विशाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे रेनो ट्राइबर का असलियत क्या है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पेंट क्वालिटी कैसी है, चेची कैसी है, टायर्स कैसे, सब कुछ इन डिटेल्स। सच्चाई में ये आपके लिए गाड़ी कैसे होने वाली है, आपके फैमिली के लिए कैसे होने वाली है, सेफ है नहीं है, सब कुछ इसी वीडियो में। प्लीज ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, ये वीडियो लाइक कर लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर। देखो, बिना सोचे समझे अगर कुछ बोलना है तो वो मैं नहीं करता, ठीक है। बिना एनालिसिस करे, बिना पढ़े लिखे कुछ बोलना है तो वो मैं नहीं करता। सच्चाई बताता हूँ, जो भी असलियत है वो आपके सामने पेश करता हूँ। आपको मजा आएगा, ये वीडियो देखो, समझ में आएगा, सच पता चलेगा। देखो यार, ट्राइबर का बिल्ड क्वालिटी, जब मैं पहली बार ट्राइबर में बैठा था, गाड़ी बढ़ाई थी 80-90 टेस्ट ड्राइव लेते समय, 80-90 कड़ी थी, ब्रेकिंग देखा था, ब्रेकिंग अब्सॉर्ब करा था, और इसकी रेडियस, स्टेबिलिटी, रोड पे कैसी है, हिलती है, बबल करती है, टायर्स क्वालिटी, रनिंग मोड में कैसा है, बबल करता है या स्टेबल है गाड़ी, रोड पकड़ के चलती है, जैसा आप जानते हो, बोलते हो रोड पकड़ के चलना, बिल्ड क्वालिटी को एक बहुत बड़ा हैंड्स ऑफ देता है। तो यार, ये गाड़ी रोड पकड़ के चलती है बिंदास। 1000 cc की इंजन है लेकिन 150 पे चलती है यार। एनर्जी इंजन इसीलिए नाम दिया गया है, पावर है यार, कमाल की पावर है। हाँ, पिकअप उकअप सब जबरदस्त है, गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्ड क्वालिटी, जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां भी मेटल यूज की गई है, बहुत अच्छी, शानदार है यार, मतलब अप टू द मार्क है इस बजट में। और मतलब 7-8 लाख के बजट में आपको इतनी अच्छी तबाही गाड़ी मिल रही है। अब मार्केट में घूम लो, आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा बिल्ड क्वालिटी में अंतर क्या है, क्या सच्चाई है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देख के एक बार खुद एनालिसिस करो, गाड़ी लेने जा रहे हो या सोच रहे हो, जाके टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव वाला वीडियो देखो, और आपको खुद पता चल जाएगा क्या करना है, क्या सच है, क्या झूठ है। बिल्ड क्वालिटी देखो, ऊपर से अगर ये बनी है, ठीक है, ये चीज बना है, 50 kg का सपोर्ट दिया हुआ है इस पे, कि 50 kg सपोर्ट ले लेगा, तो यार यानी कि ये छत मजबूत है, तभी तो 50 kg का इस पे बोल रहा है। क्यों नहीं दूसरे गाड़ियों पे ये दे दिया, हिंज दे दिया, बोला कि करियर बना दो, ऊपर लोड डाल दो, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ऊपर की फ्रेमिंग वैसी नहीं है, डिजाइन में वैसा ऐड नहीं करा गया है, इसमें ऐसा ऐड किया गया है, तभी तो ये हैंडल है, तभी तो करियर देने का, ट्रेबल में करियर देने का अलॉटमेंट है, आप अलॉट कर सकते हो करियर अपने गाड़ी में। अगर मजबूत है तभी तो 50 kg छत पे उठा सकते हो, नहीं रहता तो क्यों उठाते यार। बिल्ड क्वालिटी का सबसे पहला एग्जांपल ये है। दूसरी चीज जो ये है, ठीक है, जो मेटल है वो भी अपने हिसाब से यार बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। गेट जब बंद करते हैं, देखो गेट खुला, थम, आवाज देखो, डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। जब रनिंग मोड में होती है गाड़ी, एकदम रोड पकड़ के चलती है, स्किट नहीं करती, वो नहीं करती। और भी साथ में एक चीज ध्यान रखना है, आपके ड्राइविंग कैपेबिलिटी कैसी है, आपको गाड़ी सच में चलानी आती है या नहीं आती, वो सब कुछ अंतर दिखता है सामने, कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, आपको गाड़ी चलाने अच्छे से पता है या नहीं पता है, ठीक है। मिरर्स भी अच्छे क्वालिटी के दिए गए हैं, सामने धूप वगैरह रहता है तो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है रोशनी, उतना आंखों पे चमकता नहीं है। ऊपर के जो रूफ्स हैं, वो हैंडल्स हैं, वो तो ठीक ही है, मतलब अच्छा काम करती है। आगे से ये जो है पेडेस्ट्रियन इसमें दी गई है, सिक्योरिटी फीचर्स एकदम लास्ट है ये गाड़ी, ये पेडेस्ट्रियन मतलब आगे से कुछ टक्कर होती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगी जो पैदल लोग चल रहे हैं। सिक्योरिटी वे, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, डोर लॉक अनलॉक वो फीचर्स, सेंट्रल लॉकिंग, सब कुछ है यार गाड़ी में। पेडेस्ट्रियन जो भी बच्चे के लिए चाइल्ड लॉक, चाइल्ड एंकरेज, इस गाड़ी में सब कुछ इंस्टॉल्ड है। और बॉडी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ बेटर है। तो आपको नजदीक से एक चीज दिखाता हूं मैं, आपको कैमरा में नजदीक ले जाता हूं, आपका आइडिया लग जाएगा। देखो ये जो है सामने वाली, देखो बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, ये डोर्स हैं, सब कुछ बिल्ड क्वालिटी। देखो ये, देखो पीछे की छत, देखो नजदीक से, ठीक है, छत की क्वालिटी एक बार देखो, आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। ये छत देखो, डम डम आवाज करी है, गेट की आवाज सुनो, देखो गेट खुला, धम, देखो। अब चलो गाड़ी के नीचे आपको दिखाते हैं कि आखिर बॉडी क्वालिटी है कैसी। देखो, देख रहे हो मेटल फ्रेमिंग, कहां से आपको ये दिख रहा है, प्लास्टिक वगैरह दिख रहा है यार, पूरी तो यार शीट मेटल की है इसकी, चेची पूरी मेटल की बनाई हुई है यार। ऊपर से रस्ट पेंट की गई है, देखो रस्टिंग वाली पेंट है की हुई है, जिससे आपको गाड़ी में जंग वंग ना लगे, सब कुछ तो दी हुई है यार। आपकी समझ लो क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो गाड़ी में। हाँ देख लो, ये सब पेंट डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, ये सब पेंटिंग है यार, ये रस्ट फ्री पेंट दिए गए हैं ताकि गाड़ी में ऐसा रस्ट ना लगे, समझ रहे हो। तो यार एक चीज देखो, टायर का क्वालिटी भी देखो,
और मतलब चलो अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इतना सब कुछ है गाड़ी में, बिल्ड क्वालिटी, अब मैं तो जेन्युइन यूजर हूँ ना यार, रियल यूजर, रियल चीज आपको बता रहा हूँ, तो यार सब कुछ लाइफ में अंतर करता है। तो यार एक चीज ध्यान देना, गाड़ी और मोटरसाइकिल में बहुत अंतर है। मोटरसाइकिल किधर भी पलट सकती है, स्किड कर, मैं खुद कितने बार एक्सीडेंट करा हूं यार। गाड़ी में फिर भी आप गाड़ी में पैक्ड हो, अंदर बैठे हो, अगर आगे से भी लड़ी तो आप बीच में बैठे हो, साइड से भी लड़ी तो यार इतनी मेटल की सीट है, कुछ तो आपको सुरक्षा देगी। ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट हुई है गाड़ी गायब हो जाएगी, ये डोर गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ तो सुरक्षा प्रोवाइड करेगा आपको, कुछ तो सेफ्टी देगा। पीछे अगर उधर से गाड़ी लड़ रही है, आप बैठे हो तो उतना ज्यादा स्पेस जो CMFA बॉडी है, प्लेटफॉर्म है CMFA प्लस, वो आपको कुछ तो कुछ हद तो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। यार इस तरह क्यों नहीं सोचते हो? एनकैप की रेटिंग भी ड्राइवर की आने वाली है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी अच्छा रेटिंग है। तो यार ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके समझदार बनो, और सब इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज देखना मत भूलना मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, सब आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम।